तो बोला तो नहीं पढ़ना है तो क्या करेगी तो भेड़ी दे रहा हो तो भेड़ी भी नहीं दे रहा था अब क्या करना हमारे को ट्रक लेना तो ट्रक ले दिया और क्या करना धंधा करते थे अपने माँ बाप बाबू जी माल का धंधा वो उसको आपने छोड़ा दिया कि आपको जमाना बदल गया है तो आप धंधा दूसरा कर सकते
क्यों गए मारो खुद जन्म है क्या राजस्थान हमने माल से चले हुआ था यार आडोसा राजस्थान हमारे जन्म भूमि पंद्रह से सत्तर साल में राजस्थान में माल चार कानून थी अकस्मा आता नहीं पंद्रह सोलह वर्ष ना एट पास आया माल चार वाजी गया पास आ देश में आया एट वरी पास गुजरात जाए पर राजस्थान में नहीं गया तेना पास पास मैंने माल चार शीखा दी माल चार है कहीं चार सौ है कहीं पाँच सौ कहीं बसो आई रीते हलतो रही કઈ ટાઈમ તો માલ જ ચારતા એમને એમ એનો દૂધ પાણીનો ધંધો ખાવું મજા માલ ચારે એના કારણે અમે તો આટલે પહોંચ્યા છીએ હવે અમારા બચ્ચા છે એ જો માલનો અમે દાંડું પકડાવીને સુધરશે ને આજકાલ કરતા હવે અમે થોડાક છોકરા ભણાવીએ કાંઈ રહેતા પડે કાંઈ લોકલ ભણે થોડાક રહેતા પડે पहले का जो धंधा है मेरे को खुद को अभी याद आता है कि इससे वो ठीक था ना गर्मी में यहाँ पड़े रहना हो तो हवा में जंगल में निकल जाते छत्तर से घर मकान से बेचन टन पाका मकान से माल माल ने उसे गोड़ डाली था घास चारों नंबर फिर सूरत तक जाते हैं उनको खाली करते हैं फिर वापस आते हैं आप एक भी हैरान होते हैं सब पूरा परिवार अपना हैरान नहीं हो सकता है आप अकेला हैरान हो सकते हैं મોટા શહેર માં જવાનો એવો થાય અમારું કુટુંબ છે અમારે 12 મહિને 6 મહિને જવા આવવાનું થાય એ આવતા હોય અમે જતા હોય એવી રીતે હોય અહીંયા અમારે જવાનું હોય એટલે ટ્રેનમાં જતા જાય એટલે મોટા શહેર તો આવતા જ હોય સ્ટેશન પછી નીચે ઉતરીને અમે એમાં ફરતા જ ન હોય અમે તો ટાઈમ પડતા ચાય પણ સ્ટેશન પૂછા નહીં કભી નહીં હુઆ કભી નહીં હુઆ ભગવાન કી ઉપર મહેરબાની ઓર हमारी जो मवेशिया थी ना तो जानवर खुद उठ के भाग जाता